सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूं बिजनेस सेट्स के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको मीन मीडियन निकालना सिखाऊंगा और कुछ नई चीज सिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स में आता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया तो एटलीस्ट मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि 15 मार्क्स आपके कंप्लीट हैं। शुरू करते हैं। जो लोग बीकॉम बीबीए 11th वाले हैं, वो लोग उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपने मेरी वीडियो पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, सब लोग सपोर्ट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन है भाई, मीन एंड मीडियन निकालना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, वेजेस दिए है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। वेजेस को इस तरीके से दिए आपको, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 24 एंड अबाव इस तरीके से दिया है, 32 से 40, 40 से एंड अबाव, 40 एंड अबाव, 48 एंड अबाव, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास बनानी है, इसके क्लास के बाद आपको एफ बनाना है, है ना। देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना है, तो इसके बाद आपको फ्रिक्वेंसी बनानी है। आइए क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज देख कर रहे होंगे कि 8-8 का डिफरेंस पे है। लेस देन 8 का मतलब हुआ 0 to 8, लेस देन 16 का मतलब हुआ 8 to 16, ये हो गया आपका 16 से 24, ये बनेगा आपका 24 से 32, ये बनेगा आपका 32 से 40, ये बनेगा आपका 40 से 48, और ये बनेगा आपका 48 से 56, क्योंकि आप देख रहे हो कि 8-8 का डिफरेंस है, तो आपको 8-8 के डिफरेंस पे लेना है सब, ठीक है। अब F कैसे बनेगी, F बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम ध्यान से देखें F कैसे बनाता हूँ। देखो 0 to 8, 0 to 8 का मतलब है 8 से कम, यानी 5 वर्कर्स हैं तो 5 जुगा तो आएगा। 16 लेस देन 16, यानी कि लेस देन 16 का मतलब है 16 से कम में कितने वर्कर हैं, 12 वर्कर हैं। तो आपने एक चीज़ देखनी है कि इस 12 के अंदर ये 5 इंक्लूड है, क्योंकि लेस देन 8, लेस देन 16, तो लेस देन 16 में लेस देन 8 इंक्लूड है, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ जज करनी है, यहाँ पे है 8 से 24, हमें लाना है 16 से 24, तो यानी कि 16 से 24 लाने के लिए 8 से 16 माइनस करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, कह रहा तो 8 से 16 कितना है, 8 से 16 आपके पास 7, तो 29 में से अगर 7 माइनस कर दें तो आएगा आपका 22। इसके बाद 24 एंड अबाव इसको यहीं छोड़ दें फिलहाल, 48 एंड अबाव क्या है, 5, 40 एंड अबाव 8 अबाव 5 जुगा तू, 40 एंड अबाव 19, यानी कि इस 19 के अंदर 48 एंड अबाव इंक्लूड है, तो 19 माइनस 5 14, 32 से 40 ये जुगा तू रहेगा 8, और 24 से 32 यहाँ आपके लिए एक मुश्किल क्या होगा कि 24 एंड अबाव में 56 तक इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है, 31 में से 8 माइनस करेंगे, 14 भी माइनस करेंगे और 5 भी माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 31 में से 8 माइनस करा 23 में से 14 माइनस करा 9 में से 5 माइनस करा 4, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप डी बनाएंगे। डी कैसा बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप डी और यहाँ पे बनाएंगे आप एक्स और डी बनेगा, है ना, उसके बाद एफ डी बनेगा। तो यहाँ पे बनाएंगे आप एक्स, यहाँ पे बनाएंगे आप डी और यहाँ पे बनाएंगे आप एफ डी, बनाइएगा दोनों का टोटल उसका हाफ, यानी कि 4, 16 और 8, 24 का हाफ 12, 28, 36, 44, 52, डी बनाएंगे, डी बनेगा एक मिड में आप ए मान लीजिए, ये ए हो गया, एक्स माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 28 माइनस के 24, 12 माइनस 28 माइनस के 16, 20 माइनस 28 माइनस के 8, 0, 8, 16, 24, एफ डी बनाएंगे, एफ ये रहा, डी ये रहा, 24 की 5 से करेंगे 120, 16 7 जा
ठीक है, और 8 की 22 से करेंगे, ठीक है, 4 की 0 से करेंगे, 8 8 दा 14 की 16 से, ठीक है, 24 की 5 से करेंगे, और यहां कर देंगे आप सिग्मा एफ डी, यहां करेंगे आप सिग्मा एफ, कर लीजिए 7 और 5 12, 34 और 4 38, 46 50, 60 और 5 65 सिग्मा एफ करेंगे। पहले आप प्लस वाले प्लस करें, 200 300 400 408 प्लस वाले हुए, माइनस वाले करना 1 2 3, 300 तो ये हो गया, 370 390 400 408, तो प्लस के भी 408 है माइनस के भी 408 है, तो कुछ नहीं करना आपको, आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला लगा करके अपना, 12x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकाल लो, सिग्मा एफ डी हो गया आपका 408 में 408 गया 0, तो ए की वैल्यू है आपके पास 28 प्लस सिग्मा एफ डी 0 अपॉन सिग्मा एफ 65 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 28 प्लस 0 इट मींस क्या आया 28, तो बार एक्स की वैल्यू आ गई 28 फाइनल। अगर आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आपको करना क्या है, मीडियन के लिए आपको स्मॉल एम निकालना होता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू 65, 65 कैसा नंबर है ऑड, तो ऑड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आइएगा मीडियन नंबर निकाल दीजिए, यहाँ पे एन हुआ सॉरी है एन ए, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बाई टू दी टर्म 65 अपॉन टू दी टर्म, थर्टी टू पॉइंट फाइव दी टर्म। अब बताइए आप 32.5 दी टर्म कहाँ बैठेगी, इसके लिए आपको सी एफ बनाना पड़ेगा एक यहाँ पे, तो मैं सी एफ जो है यहाँ बनाता हूँ साइड में, वैसे तो यहाँ बनाना था मुझे लेकिन मैं यहाँ बना देता हूँ, भाई आपको साइड में बनाना है, ध्यान रखना आपको उधर ही बनाना है, मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ कम रह गया तो मैं इसलिए सी एफ जो है वो यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको यहाँ बनाना है इस साइड में, ठीक है, अपनी कॉपी में। सी एफ कैसे बनती है, एफ एफ से बनती है सी एफ, फाइव जुगा तू 5 + 7 12 + 22 34 + 4 38 + 8 46 + 14 60 + 5 65 आपका और, तो 32.5 कहाँ बैठेगा, 32.5 बैठेगा इसके अंदर 34 के, तो मैं जो है इसको अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, तो आपका जो है L1 बनेगा ये, L2 ये, F ये और C ये, 16 24 22, तो यहाँ पे लिखा लेंगे आप, L1 कितना है आपका 16, L2 - L1, F कितना है, F है आपका 22 और C है आपका 12 और M 32 - 5 - 12 कर देंगे आप, तो इसको सॉल्व आउट कर लें फटाफट से, 8 upon 22 into 20.5 सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसका आंसर निकलेगा 23.745। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर बताना कैसी लगी, एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।